हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष गोयल है। आज मैं आपके सामने अपने पीवीसी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो सैनिटरी आइटम से रिलेटेड है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके अपने पीवीसी टैप्स और अपने पीवीसी अदर आइटम्स के बारे में आपको बताता जाता हूँ। जैसे कि हम कहें, सबसे सस्ती पीवीसी टैप्स जो आती है वो रेड कलर की होती है, जिसमें 3 डिज़ाइंस आते हैं, 15 mm, 20 mm एंड 25 mm। इन तीनों का पर्पस एक ही होता है, मगर तीनों के साइजेस में अलग अलग अंतर होता है। जैसे कि हम बात करें, पीवीसी टैप ये बहुत सस्ती टैप है, नॉर्मल घरेलू मेंबर्स कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी प्याऊ पे, किसी भी शौचालय पे, किसी मंदिर मस्जिद, किसी भी धार्मिक संस्थाओं पे इजीली लग सकती है। इसका सबसे खास बात ये है कि ये चारों तरफ से मूविंग होती है, ना ब्रेकेज की टेंशन होती है, ना किसी चीज़ की टेंशन। इसमें हम इजीली नोजल पीवीसी नोजल पाइप भी चढ़ा सकते हैं, जो रबड़ नोजल पाइप लेडीज आजकल घर में जैसे तराई करती हैं तो नोजल पाइप चढ़ा सकते हैं। इस दूसरी टैप का खास आदत बात ये होती है, सारा पर्पज सेम होता है, चारों तरफ मूविंग करती है, इसलिए इसमें 1/4 इंची का पाइप लगता है। 1/4 इंची की टैप बहुत ही कम मात्रा में इंडिया के अंदर मिलती है, मगर पीवीसी टैप हमने 1/4 इंची में भी बना दी है। ऐसे ही कई कई जगहों पे आपने देखा होगा पानी की सुविधा कम होती है तो कई लोग 1 इंची की पीवीसी की टैप की डिमांड करते हैं, तो पीवीसी टैप हमने 1 इंची की ही बना दी है। इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स के साथ हम लाइट रेंज में पीवीसी टैप सबसे ईजी और सबसे कम्फर्टेबल प्रोडक्ट हमने निकाला है। एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमने निकाला है पीवीसी टेपर कॉक एंड पीवीसी नोजल। कई कई जगहों पे हम देखते हैं कि पीवीसी टेपर कॉक और नोजल का भी प्रयोग किया जाता है। ये पीवीसी टेपर कॉक की बात करें तो ये 2-sided ही ओपन होती है, इसमें 4-sided ओपन का कहीं प्रोग्रेस नहीं है। इजली कंफर्टेबल है ये, ना ही ना महंगी है, ना ही ज़्यादा सस्ती है। नॉर्मल कंफर्टेबल नॉर्मल बात करें तो हम इसकी 5-6 rupees में इजली कंफर्टेबल हम परचेज कर सकते हैं ये पीवीसी टैप। इसकी दूसरी एक टैप आती है नोजल टैप, जिसमें नोजल में ऑप्शन होता है, आप नोजल रखना है रख लीजिए, नहीं रखना तो आप नोजल लगा सकते हैं साथ में। इस नोजल को लगाने का पर्पस यही है कि पीवीसी नोजल का पाइप लगा सकते हैं इससे। ये नोजल दो, ये 2 टायर की टैप्स हैं, नोजल टैप और पीवीसी टैप, कंफर्टेबल रेंज। एंड थर्ड वन हमारी टैप आती है जो हम राउंड हैंड पे टैप कहते हैं, जो घरेलू पर्पस के लिए भी और डोमेस्टिक पर्पस कहीं भी पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिपकॉक और लॉन्ग बॉडी 2 आइटम्स आती हैं, एक शॉर्ट बॉडी हो गई, ये अपनी लॉन्ग बॉडी हो गई। शॉर्ट बॉडी का पर्पस होता है जो शॉर्ट जगह पे लगती है, लॉन्ग बॉडी का पर्पस होता है जो लॉन्ग जगह पे लगती है। फॉर एग्जांपल, हम शॉर्ट बॉडी को हम जनरली जैसे घरेलू होम पर्पस की बात करें तो शॉर्ट बॉडी जनरली यूज़ होती है जैसे टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में, और क्या कहते हैं, कई शौचालय में लगा सकते हैं। लॉन्ग बॉडी का पर्पस है लॉन्ग जगह पे। लॉन्ग बॉडी का सबसे खास पर्पस होता है हमारा, जैसे हम नहाते समय लॉन्ग बॉडी का नेक लगा के हम नीचे बाल्टी को हम लगा सकते हैं इजीली। जैसे रसोई के अंदर हम किचन में खड़े हैं तो किचन में लॉन्ग बॉडी को लगा सकते हैं, और वहाँ पर अगर हमें किसी लेडीज़ ने टब लगाना है तो टब का भी लगा सकते हैं। शॉर्ट बॉडी अगर हम लगा देंगे तो वहाँ लगा नहीं पाएंगे। ये 2 टाइप की टैप्स हैं, ये भी मीडियम रेंज में पड़ती है, इसकी मात्र नॉर्मल रेंज स्टार्ट होती है 20-25 rupees। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पीवीसी टर्बो सीरीज। टर्बो सीरीज के अंदर हम 5 आइटम्स हमने लॉन्च करी हैं अभी, वो मैं आपको डिस्प्ले दे रहा हूँ। जैसे कि हमने टर्बो सीरीज के अंदर एक आती है हमारी बिपकॉक, एक हमारी आती है लॉन्ग नेक लॉन्ग बॉडी, एक थर्ड वन आती है हमारा एंगल वॉल पीवीसी, एंड फोर्थ वन इज़ नोजल बिपकॉक। नोजल बिपकॉक का सेम नोजल की तरह पर्पस होता है, ये वॉशिंग मशीन का पाइप इसलिए हम कंफर्टेबल लगा सकते हैं। एक फिफ्थ वन आइटम आती है हमारा पिलर कॉक। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक आइटम की अपनी डिटेल देने जा रहा हूँ। जैसे बिपकॉक का पर्पस सेम वही पर्पस होता है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसको हम बाथरूम्स में लगा सकते हैं, कहीं भी छोटी जगहों का जहाँ इस्तेमाल होना है, जहाँ कुछ वहाँ छोटी जगहों पर लगा सकते हैं। लॉन्ग बॉडी का पर्पस लॉन्ग जगह पर ही लगाना है, जैसे हमने लॉन्ग बॉडी लगाई और नीचे बाल्टी लगानी है, टब लगाना है, हमने कुछ लगाना है। थर्ड वन हमारा प्रोजेक्ट है नोजल बिपकॉक। नोजल बिपकॉक वही नोजल पर्पस, किसी लेडीज ने या कुछ वॉशिंग मशीन का पाइप लगाना है, पीवीसी गार्डन पाइप लगाना है, वो गार्डन पाइप का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन हमारा आता है एंगल वॉल। एंगल वॉल हमारा खास रोल निभाता है हमारा हर जगह पर। एंगल वॉल के साथ हम पीवीसी कनेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी जैसे कि हमने गीजर में लगाना है, गीजर में पॉइंट देना है, आरओ में पॉइंट देना है अपना एंगल वॉल में, और अपना जैसे कि एक्सवाई जेड हम वॉश बेसिन के नीचे एंगल वॉल का यूज़ करते हैं रेगुलरली, जो हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए जनरली यूज़ किया जाता है एंगल वॉल। एंड फिफ्थ वन हमारी आइटम आती है पिलर कॉक। वॉश बेसिन जो जनरली वॉश बेसिन में लगती है, वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए यूज़ किया जाता है वॉश पिलर कॉक। पिलर कॉक को लगा के हम वॉश बेसिन के थ्रू राइट एंड लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ, दो कभी कई लोग 2 पीसेस भी लगाते हैं, कई सिंगल पीसेस भी लगाते हैं, कभी मिडल में भी लगा सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, इसका पर्पज होता है वॉश। और ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ चलने वाला प्रोडक्ट है, और प्योर वर्जिन मटेरियल में बना हुआ है। आप मटेरियल की क्वालिटी देख के और फोटो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मटेरियल हमारा है क्या, प्योर वर्जिन। जितना मटेरियल लाइट वेट होगा उतना मटेरियल बेस्ट होगा। हैंडल को हम फैंसी मॉडल की भाषा दे देते हैं, हैंडल को हम टर्बो मॉडल का भाषा दे देते हैं, हैंडल को ही हम प्रीमियम मॉडल की भाषा दे देते हैं।
ये हमारे पास डिजाइन की वेराइटीज, लॉट्स ऑफ वेराइटीज है हमारे पास, वेराइटीज की कमी नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको बता रहा हूँ एक एक प्रोडक्ट्स। ये हमारा फैंसी मॉडल आ जाता है। कलर्स हमारे पास टू होते हैं, एवरी एंड वाइट, एवरी एंड वाइट टू कलर्स होते हैं। जैसे फैंसी मॉडल, फैंसी मॉडल का बिपको का भी सेम पर्पस होता है, जो हमें शॉर्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लगेगी, लॉन्ग बॉडी के अकॉर्डिंग लॉन्ग बॉडी लगेगी, एंगल वॉल के अकॉर्डिंग एंगल वॉल लगेगा। और पिलर कॉक के अकॉर्डिंग पिलर कॉक वॉश स्टेशन का ही पर्पस है। नोजल बिपको के अकॉर्डिंग नोजल बिपको का ही पर्पस होता है, जो नोजल टैप्स गार्डन पाइप होना इजिली कंफर्टेबल कर जाता है। और थर्ड वन हमारी आइटम आती है प्रीमियम पिलर कॉक, प्रीमियम बिपको लॉन्ग बॉडी और एंगल वॉल, सेम वही पर्पस होता है। प्रीमियम बिपकॉक शॉर्ट बॉडी की, शॉर्ट बॉडी की जगह पर लगाएं इसको, हम प्रीमियम इस हेड को हम प्रीमियम बिपकॉक का हैंडल कहते हैं, हेड को पहचान लेते हैं हम, क्योंकि हमने हर कैटेगरी का अपना नाम दे रखा है। किसी को प्रीमियम कैटेगरी, किसी को टर्बो कैटेगरी, किसी को फैंसी कैटेगरी। एंगल लॉन्ग बॉडी का वही पर्पस है, लॉन्ग जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और एंगल वॉल का पर्पस वही है जो एंगल वॉल का पर्पस है। स्टॉप करते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रीमियम सीरीज जो आजकल डिमांड में चल रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम देख रहे हैं डे टू डे डेली एक्टिविटी में जो डोमेस्टिक होम कस्टमर्स हैं वो आजकल क्रिस्टल पे ज़्यादा डिमांड दे रहे हैं। कुछ चमक धमक की कोई चीज़ें लगाना चाह रहे हैं, जैसे घर पे बात करें हम, तो हमने एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ निकाली है क्रिस्टल सीरीज़। ये क्रिस्टल सीरीज़ की खास बात यह है कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा ईजिली लॉन्ग लाइफ है। हम इजिली कंफर्टेबल कर सकते हैं इसको, 2-3 ईयर्स तक चला सकते हैं। और दिखने में भी सुंदर है कि आजकल फैशन के दौर पे हम देख रहे हैं कि करंटली फैशन चल रहा है, फैशन के दौर पे कुछ सीरीज़ हट के निकाली जाए। नॉर्मल सीरीज़ तो चलती आ रही है सदाबहार, ये क्रिस्टल सीरीज़ हमने एक्सक्लूसिव निकाली है जो बहुत अच्छी आइटम, दिखने में सुंदर लगती है डोमेस्टिक। और इस आइटम के अंदर बहुत सारी आइटम्स भी निकालती हैं, जैसे बिपकॉक्स हो गई, लॉन्ग बॉडी हो गई, एंगल वॉल हो गया, पिलर कॉक। पिलर कॉक की खास बात है हमने फोम फ्लो में निकाली है कि झाग वाला पानी होके आएगा पिलर कॉक हमने फोम फ्लो में, और उसका हेड भी बहुत सुंदर बनाया है हमने। और वॉश बेसिन में मिडिल में लगा दें अगर तो मज़ा आ जाए देखने वाले को भी। और इसके साथ साथ हमने क्रिस्टल के अंदर 2-in-1 एंगल वॉल्स और 2-in-1 बिपकॉक्स भी निकाले हैं क्रिस्टल में 2-in-1 एंगल वॉल्स एंड 2-in-1 बिपकॉक्स, जो गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जेट स्प्रे पीवीसी जो सिस्टम शीट पर लगते हैं आजकल, उसके साथ 2-in-1 एंगल वॉल 2-in-1 पर्पस लगाते हैं। 2-in-1 एंगल वॉल इंग्लिश शीट पे लगता जाता, इंग्लिश शीट पे जैसे किसी को हैंड फॉसेट लगाना है, हेल्थ फॉसेट लगाना है, तो हेल्थ फॉसेट पे पीवीसी 2-in-1 बिपकॉक लगाई जाती है। और 2-in-1 एंगल वॉल किसी को जेट स्प्रे लगाना है इंग्लिश शीट पे, तो जेट स्प्रे में इंग्लिश शीट पे क्या कहते हैं, जेट स्प्रे के साथ 2-in-1 एंगल वॉल लगाया जाता है। पीवीसी टैप से रिलेटेड हमने एक नई आइटम और निकाली है जिसे कहते हैं फोम फ्लो प्लस नोजल बिपकॉक। बहुत एक्सक्लूसिव आइटम है, बहुत आजकल ट्रेंडेबल आइटम है ये भी। जैसे कि हमने किसी को टैप्स के अंदर फोम फ्लो की डिमांड चाहिए, तो वो हमने टैप्स में फोम फ्लो भी लगा दी है। तो फोम फ्लो का पर्पस है झाग वाला पानी आएगा, बहुत स्लो डिलीवरी में आएगा और बहुत कंफर्टेबल आएगा। जैसे ब्रास टैप्स में आपने जनरली नोट करा होगा, बहुत टाइम से चला आ रहा है ब्रास टैप्स में फोम फ्लो की नोजल लगी होती है, हमने पीवीसी उस तरह की चीज़ पीवीसी टैप्स में लगा दी है। जो पीवीसी टैप्स में फ्लो जो आएगा वो स्लो डिलीवरी में आएगा फोम फ्लो के साथ। एंड दूसरी अच्छी खास बात, हमने उसमें एक ऑप्शन ये डाल दिया है, उसमें हम नोजल भी लगा सकते हैं, फोम फ्लो के नोजल को उतार के फोम फ्लो नोजल भी लगा सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन की किसी ने टैप लगानी है, कोई गार्डन पाइप लगाना है इसमें, तो उसमें नोजल का ऑप्शन भी हमने डाल दिया है। इसी में हमने शॉर्ट बॉडी और लॉन्ग बॉडी दोनों तरह का प्रोसेसर बनाया है। लॉन्ग बॉडी की जगह पे लॉन्ग बॉडी लगा दिया जाएगा और शॉर्ट बॉडी की जगह पे शॉर्ट बॉडी लगा दिया जाएगा, और दोनों में सेम ऑप्शन डाला है फोम फ्लो प्लस नोजल। इन दोनों चीज़ों को हम सेम कैटेगरी से अकॉर्डिंग चल सकते हैं हम। अब एक हमने टैप निकाली है आजकल, ये भी डिमांड में चल रही है, जो पोलो की बिपकॉक एंड पोलो की लॉन्ग बॉडी। पोलो की बिपकॉक का जिसका इस हैंडल को हम पोलो डिज़ाइन कहते हैं, ये दोनों हैंडल, इसमें शॉर्ट बॉडी और लॉन्ग बॉडी दोनों निकाली है हमने। इसका सेम पर्पस है जो लास्ट टाइम मैंने हमें वीडियो में बताया है। इसके अंदर हमने एक और आइटम निकाला है जिसको कभी कभार जनरली मार्केट में डिमांड आती रहती है, 1.5 इंची की बिपकॉक और 1 इंची की बिपकॉक। 1.5 इंची की बिपकॉक जो 1.5 इंची चूड़ी की बना दी है हमने, और 1 इंची की बिपकॉक 1 इंची की चूड़ी की बना दी है। जनरली लोग विलेज एरिया में या गांव के एरिया, शहरी एरिया में या गांव के एरिया में कई लोग डिमांड करते हैं 1.5 इंची की और 1 इंची की बिपकॉक निकाली जाए, जिसमें डे टू डे पानी की सुविधा ज़्यादा तेज़ होती है तो उसमें चलता रहता है। एक आइटम और है जो लाइनिंग सीरीज़ को कई लोग प्रेफरेंस देते हैं, लाइनिंग मॉडल को। लाइनिंग में धारियां बनी हुई हैं जो सुंदर लगती हैं देने में और देखने में भारी भी लगता है पीस। प्योर वर्जिन में मटेरियल बनाए गए हैं ये सारे के सारे, इसमें एक भी लीकेज की कोई वो नहीं है, टेंशन लीकेज आएगी ही नहीं, पूरी फुली गारंटेड प्रोडक्ट है हमारे। एक भी पीस में लीकेज आती है तो फुली रिप्लेस्ड प्रोडक्ट है, फुली बोलूँ। नेक्स्ट हमने एक आइटम और निकाला है, वॉश बेसिन की पीवीसी वेस्ट कपलिंग। वेस्ट कपलिंग का वही रोल है जो स्टील की वेस्ट कपलिंग का रोल है।
पीवीसी वेस्ट कपलिंग का फायदा ये है पीवीसी लगाने का, पीवीसी के ऊपर जितना भी हम पानी का पानी सिस्टम डालते हैं तो वो ना ही गलती है ना सड़ती है और लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। आज के टाइम पे देख रहे हैं 2021वीं सेंचुरी चल रही है और हम पीवीसी का बूम ज़्यादा चल रहा है, तो पीवीसी का प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग लाइफ कंफर्टेबल चलता है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई ना महंगा आता है ना ज़्यादा वो आता है, ईजिली हर बंदा कंफर्टेबल परचेज कर सकता है। एज़ कंपेरेटिवली हमने एक आइटम और निकाली है पीवीसी पुशकॉक। पुशकॉक की फ़ायदे सबको पता ही है, जितने भी जल प्याऊ शौचालय और जितने भी स्टेशन रेलवे स्टेशन या सरकारी अस्पताल से इसमें पुशकॉक की डिमांड आती रहती है। पुशकॉक का पर्पज़ होता है जैसे मर्जी हम पुश करते हैं उसे बंद कर ऑटोमेटिकली अपना बैक मारता है और बंद हो जाता है जिसमें कोई पानी की वेस्टेज नहीं होती। इसमें वॉश बेसिन से रिलेटेड हमने दो एक डिफरेंट आइटम और निकाली है। कई एरिए में देखा जा रहा है कि वॉश बेसिन में कई लोग पिलर कॉक से छोटी जो पिलर कॉक आती है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे पिलर कॉक का माउथ छोटा होता है तो कस्टमर्स कहीं डिमांड आती है कि पिलर कॉक माउथ छोटा है कुछ ऊपर से नेक वाली पिलर कॉक बनाई जाए। जैसे आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में ऊंची नेक के पिलर कॉक्स यूज़ किए जाते हैं, हाई नेक पिलर, इसको हाई नेक नहीं कहते हैं, उस पिलर कॉक के उस पिलर कॉक को देखते हैं हमने हाई नेक पिलर कॉक बनाई है। अपनी हाई नेक पिलर कॉक दो कलर्स में बनाई है, एक वाइट कलर्स एंड क्रिस्टल कलर। क्रिस्टल कलर की डिमांड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग वाइट कलर पसंद करते हैं, उस अकॉर्डिंगली हाई नेक पिलर कॉक हमने 2 रेंजेस में निकाल दी है अपनी, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है बिल्कुल। दो इसी तरह का देखा जाए तो हमने वॉश बेसिन से हट के एक सिंक कॉक भी बनाया है जो सिंक में डिमांड आती है। सिंक में कई लोग सिंक कॉक लगाते हैं, जो सिंक कॉक के अकॉर्डिंग सिंक में लगाते हैं और सिंक में लेडीज़ों को परेशानी नहीं होती। कई वॉश बेसिन में सिंक कॉक लगी होती है तो सिंक कॉक के अकॉर्डिंग दीवार में हैंग हो जाती है। दीवार में हैंग के कारण नीचे इजीली कंफर्टेबल से कोई भी वॉश हो सकता है। तो टैप से संबंधित वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ तारीफ ज़रूर करें कि मेरे को भी हौसला बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं कोई कुछ कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।